हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पेरेंटिंग इंडिया। जायफल में विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीबैक्टीरियल और एंटीबायोटिक गुण होते हैं, इसलिए जायफल बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, बच्चे को सर्दी जुकाम खांसी से आराम दिलाने में बहुत ही फायदेमंद होता है। और इसके साथ साथ बच्चे की पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे बच्चे को गैस बनना, बच्चे को अपच होना या बच्चे के पेट में दर्द होने पर भी ये बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन जायफल के छोटे बच्चों के लिए कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे कि बच्चे को वॉमिट होना, बच्चे को लूज मोशन होना। इसलिए जायफल को सही तरीके से बच्चे को खिलाना बहुत जरूरी होता है, स्पेशली गर्मी के मौसम में, क्योंकि जायफल की तासीर गर्म होती है। इसलिए अगर आप बच्चे को जायफल खिलाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि गर्मी के मौसम में आपको जायफल खिलाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और गर्मी के मौसम में किस एज के बच्चे को हमें कितनी क्वांटिटी जायफल की देनी है, और ऐसे क्या साइन होते हैं जो दिखाते हैं कि बच्चे को जायफल सूट नहीं कर रहा है, आपको तुरंत बच्चे को जायफल देना बंद कर देना चाहिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं 6 मंथ से छोटे बच्चे की। तो 6 मंथ से छोटे बच्चे को हमें जायफल खिलाना नहीं होता, सिर्फ उसे पीस कर उसका पेस्ट बनाकर बच्चे के माथे पर, बच्चे के पैर के तलुए में लगाना होता है। तो गर्मी के मौसम में जब आप बच्चे के माथे पर और पैर के तलुए में जायफल लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा पेस्ट मत बनाइए, इसमें पानी मिलाकर इसे थोड़ा पतला पेस्ट बनाइए, उसे बच्चे के लगाइए, क्योंकि गर्मी के मौसम में इससे बच्चे को घमोरिया या रैशेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, अगर आप रेगुलर बेसिस पे बच्चे के जायफल लगाते हैं उस केस में। अब बात करते हैं कि अगर बच्चा 6 मंथ से बड़ा है तो बच्चे को ज्यादा मात्रा में जायफल खिलाने के क्या नुकसान हो सकते हैं। फर्स्ट है बच्चे का जी मिचलाना, नेक्स्ट है बच्चे के पेट में दर्द, अकड़न जैसी प्रॉब्लम होना या बार बार बच्चे को उल्टी आना, बच्चे को लूज मोशन होना, बच्चे को स्किन एलर्जी होना, जैसे बच्चे की स्किन पर लाल दाने या फिर रैशेस का होना, तो उस केस में आपको बच्चे को जायफल देना तुरंत बंद कर देना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि बच्चे को एज के अकॉर्डिंग हमें गर्मी के मौसम में कितनी क्वांटिटी में ही जायफल खिलाना चाहिए। अगर बच्चा अभी 6 मंथ का हुआ है, यानी आप फर्स्ट टाइम बच्चे को जायफल दे रहे हैं, तो डायरेक्ट जायफल बच्चे को मत खिलाइए। उस केस में जायफल को कद्दूकस करिए और बिल्कुल एक चुटकी जायफल आपको बच्चे के खाने में मिलाकर बच्चे को देना है। फर्स्ट टाइम में डायरेक्ट जायफल बच्चे को मत खिलाइए। और अगर बच्चे की एज 7 मंथ से लेकर 2 ईयर है, तो उस केस में आपको पानी में घिसकर जायफल का पेस्ट बनाइए और 0.3 ml जायफल को ड्रॉपर की हेल्प से नापकर बच्चे को देना है। ऐसा आपको 2 दिन तक लगातार करना है। गर्मी के मौसम में आपको 2 दिन से ज़्यादा लगातार जायफल बच्चे को नहीं खिलाना है। और अगर बच्चा डायरेक्ट जायफल नहीं खाता है, तो उस केस में आप जायफल को कद्दूकस कर लीजिए और बिल्कुल एक चुटकी जायफल बच्चे को आप हनी में मिलाकर खिला दीजिए, अगर बच्चा 1 ईयर से बड़ा है उस केस में। और सर्दी के मौसम में आप जायफल की ज़्यादा क्वांटिटी बच्चे को खिला सकते हैं। अगर बच्चा 2 ईयर से छोटा है, तो उस केस में आप सर्दी के मौसम में 0.5 ml जायफल बच्चे को खिला सकते हैं, क्योंकि जायफल की तासीर गर्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।